महेंद्र सिंह चौहान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम सब जानते हैं कि कपास का प्रयोग देश की वस्त्र मिलों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, लेकिन आज देश के कपास उत्पादक किसान की हालत उचित दाम न मिलने पर दयाजनक है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 900 प्रति 20 किलो नहीं खरीदे जा रहे हैं। बीज, बिजली, पानी, उर्वरक इत्यादि महंगे हो जाने के कारण किसान हैरान परेशान है। मेरे गृह राज्य गुजरात में किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। उनको समर्थन देने से पुलिस द्वारा मेरी भी धरपकड़ हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सीसीआई केंद्रों के जरिए 900 रुपये प्रति 20 किलो के दर से कब कपास की खरीदी की जाएगी? मंत्री महोदय, माननीय चौहान जी ने जो कहा ये सही है। विशेष तौर पे सौराष्ट्र में, गुजरात में एक समस्या है। देश में जो कपास मंडियों में आता है, हालांकि ये प्रश्न कपास से संबंधित नहीं है महोदय, फिर भी मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इसको स्थिति को देखते हुए, गंभीरता को समझते हुए, भारत सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसका काम केवल MSP ऑपरेशंस करना है, उसको कमर्शियल ऑपरेशन करने के लिए कहा है, ताकि वहाँ पर बाज़ार स्थिर रहे और किसान के हित की रक्षा हो। और कॉटन कॉरपोरेशन पूरे देश में जहाँ किसी मंडी में ज़रूरत है वहाँ हस्तक्षेप कर रही है, वहाँ खरीद रही है। मुझे ये कहना है कि माननीय सदस्य को कि कोई भी जो ऑक्शन होती है, कॉटन कॉरपोरेशन या कोई भी PSU मंडी का भाव तय नहीं कर सकती, मंडी के भाव पे खरीद सकती है। जहाँ तक MSP का आपने प्रश्न किया, MSP जो है कृषि मंत्रालय उसको बताता है, ये पूरा उस पर विचार करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमने एक प्रस्तावना की है कृषि मंत्री को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पुनर्विचार किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। वो प्रस्तावना सरकार के ध्यान में। श्री दारा सिंह चौहान।